खबर बलिया जनपद से है, जहां 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती ऑल इंडिया मजलिस ए इत्यादुल मुस्लिम पार्टी के कैंप कार्यालय बहेरी बलिया में आयोजित की गई है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे और AIMIM पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि पूरे देश में केवल हमारी ही पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर आदर्शों और सिद्धांतों पर चलकर दलित पिछड़े शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। हमारे नेता असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे देश में संविधान व संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, पूर्वांचल के पूर्व महासचिव कालिका प्रसाद, जिला सचिव फरीद अहमद मुराद, जिला संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी, कोषाध्यक्ष अब्दुल्ला अंसारी, त्रिभवन राम, राम कुमार राजभर, छोटन राजभर, संपत लाल, तितिल राम, बबलू राम, नसीम खान इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज 14 अप्रैल को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पूरे देश में मना रही है। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को धूमधाम से मनाते रहे हैं, और ऐसा इसलिए है कि केवल हमारी ही पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानकर संविधान के तहत जो भी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, कमजोरों को जो संविधान ने अधिकार दिया है, हम लोग संविधान के तहत उस अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक सुल्तान सलाहुद्दीन साहब, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब हों, सभी लोग संविधान के दायरे में रहकर सभी कमजोर वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं और पार्टी की नीतियों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं।